बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स अंडर 50,000 रुपीस इन 2023। अब देखो यार, ये जो बजट है ना, इसमें आपको नॉर्मली GTX 1650 मिलते थे अब तक इन ग्राफिक्स, बट nowadays थिंग्स आर चेंजिंग। लाइक RTX 2050 लैपटॉप मिलने लगे हैं इसी बजट में, जिनमें से कुछ मैं आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा। अब देखो यार, अगर आपका बजट 50,000 रुपए एक गेमिंग लैपटॉप के लिए, तो कुछ बातें समझ लो। यहाँ पर जो लैपटॉप आते हैं ना, वैसे तो आपको इस बजट के हिसाब से काफी अच्छी लेवल की गेमिंग एंड वीडियो एडिटिंग प्रोवाइड कर देते हैं। अब देखो यार, इस बजट में जो प्रोसेसर आते हैं ना लैपटॉप में, वो काफी वर्सेटाइल है। लाइक कुछ में आपको i5 11 जनरेशन मिल जाते हैं, लैपटॉप है जिसमें 10 जनरेशन मिलता है, जो कि केवल और केवल पब्लिक डिमांड लैपटॉप है, तो कुछ ही लोग उसको खरीदेंगे। बाकी इन AMD सेगमेंट आपको Ryzen 5 5600H ये एक ही प्रोसेसर मिलता है। बाकी तो इसके अलावा अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो, तो यू हैव टू नो कि आपको डिस्प्ले अच्छी मिले, जिसमें आपको हायर रिफ्रेश रेट मिल जाए। बाकी तो देखो, सारे लैपटॉप का बेस्ट डिस्काउंटेड बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है हमेशा की तरह, बट वहां जाने से पहले वीडियो को पूरा देख लेना, सो देट आपको आइडिया हो जाए कौन सा लैपटॉप किसको परचेज करना। देखो यार, नंबर 5 पे जो लैपटॉप आता है ना, ये केवल और केवल पब्लिक डिमांड लैपटॉप है, जो कि आपको Asus Tough Gaming F15 मिल जाता है, जिसको एग्जैक्ट 50,000 रुपए के ऊपर एक ऐसा लैपटॉप लेना है जो एक ऑलराउंडर लैपटॉप हो, बट आज की डेट के जो लैपटॉप्स है ना, उनसे थोड़ा सा पीछे हो जाता है इन परफॉर्मेंस। देखो यहाँ पर आपको ये जो लैपटॉप है ना, एक काफी अच्छा बिल्ड प्रोवाइड कर देता है, काफी हद तक अच्छी कूलिंग आती है इसमें, डुअल फैन डिजाइन में आता है। इस लैपटॉप का जो डिस्प्ले है ना, वो भी अनबीटेबल आता है। आपको एक फुल HD 15.6 इंचेस की एंटी ग्लेयर पैनल के साथ डिस्प्ले मिल जाती है, 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट आती है, एंड एक IPS लेवल डिस्प्ले। इसके अलावा जो पर्टिकुलर मॉडल मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें तुम्हें इंटेल का i5 10300H चिपसेट मिलता है, क्योंकि 10th जनरेशन का चिपसेट है। लाइक Asus ने जो 11 जनरेशन वाला लॉन्च किया है ना, वो अब किया है जब 12 जनरेशन आ गया है। बट नो डाउट, अगर आप 50,000 के बजट पे ले रहे हो, तो इतना ज्यादा नुकसान में नहीं रहोगे। ये प्रोसेसर भी काफी हद तक अच्छा है, 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, ऑलमोस्ट सारे AAA टाइटल्स प्लेएबल है इस प्रोसेसर पे। बट हाँ, थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस में देखो फर्क आएगा। बाकी 8GB ऑफ रैम मिल जाती है आपको, DDR4 वाली 2933 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड, एंड अप टू 32GB तक आप अपग्रेड कर सकते हो उसको। जो स्टोरेज है वो NVMe मिल जाती है 512GB की। अब यहाँ पर जो ग्राफिक कार्ड आता है ना, वो आपको GTX 1650 मिलता है, 4GB VRAM के साथ आता है, एंड DDR6 ग्राफिक कार्ड है। बाकी बैटरी की बात करें, 48 वॉट आवर की बैटरी है, वही लगभग 1.5 घंटे के आसपास चल जाता है ये इन गेमिंग। पोर्ट्स लगभग आपको ऑलमोस्ट सारे मिल ही जाते हैं। जो हाईलाइटिंग फीचर है ना इस लैपटॉप का, वो है इसका कीबोर्ड। लाइक आपको फुल RGB कीबोर्ड देखने को मिल जाता है, जो कलर चाहो आप वो सेट कर सकते हो, और की RGB नहीं मिलती इस कीबोर्ड में। अब देखो, एज अ सैड एंड स्टार्टिंग, ये लैपटॉप केवल वही लोग लेंगे जिनको यही लैपटॉप लेना है। Now guys, here comes the fourth one. ये आपको मिलता है MSI की तरफ से GF63 Thin गेमिंग लैपटॉप। अब देखो, MSI का ये जो लैपटॉप है ना, वैसे इसका प्राइस लगभग 50,000 के आसपास आता है, बट आपको ये परचेस करना है 46,000 to 47,000 रुपीज के बजट पे। यहाँ पर ये जो लैपटॉप है ना, सेम 15.6 इंच का डिस्प्ले प्रोवाइड कर देता है, 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाती है वहाँ पर, फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले एंड IPS पैनल के साथ ही आता है। जो प्रोसेसर है वो आपको इंटेल का i5 11260H चिपसेट मिल जाता है, जो कि 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, काफी पावरफुल चिपसेट है। स्पेसिफिकेशन आपको डिस्प्ले पे मिली रही होंगी। अगर आप वीडियो एडिटिंग डिवाइस चाहते हो, इस लैपटॉप को रिकमेंड करता हूँ मैं, कम बजट में अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है। बाकी यहाँ पर आपको 8GB ऑफ रैम मिल जाती है DDR4, 3200 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक, एंड 512GB की NVMe SSD मिलती है। अच्छी बात ये है, यहाँ पर जो रैम है ना, वो आप 64GB तक अपग्रेड कर सकते हो। बाकी लाइफ टाइम वारंटी के साथ विंडोज 11 वगैरह मिली जाती है। यहाँ पर जो ग्राफिक कार्ड है ना, वो आपको सेम GTX 1650 ही मिलता है, 4GB रैम वाला, एंड आपको लैपटॉप के अंदर ऑलमोस्ट सारे पोर्ट्स मिलते हैं। एक HDMI पोर्ट मिल जाता है, LAN पोर्ट मिलता है, 3 USB पोर्ट है, एक टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा, हेडफोन एंड माइक के लिए सेपरेटेड पोर्ट्स मिलते हैं। बाकी यहाँ पर जो कीबोर्ड है ना, वो आपको ब्रेड बैकलाइट के साथ मिलता है, वहाँ पर आपको कोई भी RGB इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे, केवल और केवल रेड कलर का कीबोर्ड मिलता है। बट जो बिल्ड है इस लैपटॉप का, वो डेफिनेटली मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड मिलता है आपको। ओवरऑल ये जो लैपटॉप है ना, मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है, अगर आपका बजट टाइट है एंड आप एक वीडियो एडिटिंग प्लस गेमिंग डिवाइस चाहते हो। Now guys, here comes the third one. ये जो लैपटॉप है ना, वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है अराउंड 50,000 रुपीज बजट में। लाइक आपको थोड़ा सा बजट बढ़ाना पड़ेगा, 50,000 से थोड़ा सा महंगा आता है ये लैपटॉप, बट सेल्स में अंडर 50,000 मिल जाता है। अब इस पर्टिकुलर लैपटॉप के ना, दो वेरिएंट्स आते हैं, जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। इसमें आपको 60Hz की रिफ्रेश रेट मिलती है डिस्प्ले में, बट जो डिस्प्ले है वो फुल HD आती है, IPS पैनल में आ जाती है, एंड 15.6 इंचेस की डिस्प्ले। अब इसी में एक और वेरिएंट आता है जो 16 इंच वाला आता है, जहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट भी ज्यादा मिलती है, बट वो जो वेरिएंट है ना,
60,000 के अराउंड आता है। अभी बात करें इस पर्टिकुलर लैपटॉप की, ये जो लैपटॉप है ना, प्रोफेशनल लुक के साथ आपको एक गेमिंग लैपटॉप देखने को मिल जाता है, आपको एक बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है जहां पर चिकलेट फुल साइज कीबोर्ड आ जाता है, फुल HD IPS डिस्प्ले मिल जाती है, जो प्रोसेसर है वो AMD का Ryzen 5 5600H मिलता है। यह प्रोसेसर 6 cores 12 threads के साथ आता है, बेस क्लॉक इसकी 3.3 GHz, बाकी स्पेसिफिकेशन स्क्रीन पे आ रही होंगी। आपको 8GB ऑफ रैम मिल जाएगी, 3200 MHz पे क्लॉक्ड, 512 GB की NVMe SSD मिल जाती है। बाकी जो मैक्सिमम मेमोरी सपोर्ट करता है ये वो करता है 16GB तक। ग्राफिक कार्ड की बात करूं तो GTX 1650 मिलता है 4GB रैम वाला। अब यहां पे एक्स्ट्रा में देखो आपको विंडोज 11 मिल जाती है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, एंड एक्सबॉक्स का गेम पास भी मिलता है 3 months की वैलिडिटी के साथ। ओवरऑल जो बिल्ड है वो भी ठीक ठाक आता है इस लैपटॉप का। पोर्ट्स की बात करूं, आपको HDMI, 2 USB, एक LAN पोर्ट, एक टाइप सी पोर्ट एंड एक ऑडियो जैक मिल जाता है लाइक अदर्स। साथ में आपको एक SD कार्ड स्लॉट भी मिलता है। अब अगर आपका पर्पस एडिटिंग प्लस गेमिंग दोनों है बट आपको स्टोरी गेम्स खेलने हैं, लाइक आपको रिफ्रेश रेट से फर्क नहीं पड़ता, इन शॉर्ट आप वैलोरेंट वगैरह टाइप की गेम्स नहीं खेलना चाहते जहां पर रिफ्रेश रेट मैटर करती है, देन आप इसके साथ जा सकते हो। बट आपकी नीड है शूटिंग गेम्स खेलने की, देन ये लैपटॉप आपके लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। Now guys, here comes the second one. ये जो लैपटॉप है ना, मेरी लिस्ट का सबसे बेस्ट लैपटॉप है अब तक का इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ये आपको MSI की तरफ से GF63 थिन मिल जाता है, सेम वही लैपटॉप है जो मैंने आपको थर्ड नंबर पे बताया, बट थोड़ी सी चीजें चेंज है। लाइक यहाँ पर प्रोसेसर तो आपको सेम वही मिलता है, इंटेल का i5 11260H, सेम वही डिस्प्ले है, 144Hz की रिफ्रेश रेट मिल जाती है आपको, 8GB ऑफ रैम मिलती है, 512GB की NVMe SSD मिलती है, जो रैम है वो 64GB तक अपग्रेडेबल है लाइक दैट। बट यहाँ पर जो चीज चेंज है ना वो है इसका ग्राफिक कार्ड। आपको RTX 2050 ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है 4GB रैम के साथ, जहाँ जो FPS डिफरेंस है ना वो आपको अराउंड 10 से 15 देखने को मिलेगा इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स एंड डिफरेंट गेम्स। भले 5 से 10% का ही फर्क हो बट फर्क है ना। बाकी देखो बिल्ड एंड ओवरऑल सारी चीजें सब कुछ सेम आता है उसी लैपटॉप की तरह, सेम आपको स्टैंडर्ड कीबोर्ड देखने को मिलता है विदाउट नंपैड, रेड बैकलाइट वाला, तो जिनको ऐसा हिसाब करना पड़ता है उनके लिए कमी है, लाइक नंपैड नहीं है इसमें, पोर्ट्स सब कुछ सेम है वही वाले। बट यहाँ पर एक चीज चेंज है विच इज प्राइस। ये आपको 52,000 rupees का मिलता है राइट नाउ, एंड जो 16GB वेरिएंट है वो आपको 3-4 हजार महंगा मिलता है। अब यार जिसकी नीड वेरिएटिंग या गेमिंग दोनों है उसको इस कीबोर्ड से फर्क नहीं पड़ता, देन उसके लिए ये लैपटॉप एकदम पैसा वसूल परफॉर्मेंस निकाल के देगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी फर्क पड़ता है कीबोर्ड से, देन यू कैन गो विद द नेक्स्ट वन। Now guys, here comes the last and the best one in my opinion in this budget segment. ये आपको Lenovo की तरफ से IdeaPad Gaming 3 देखने को मिल जाता है। अब ये जो लैपटॉप है ना, इसकी आप कितनी ही तारीफ कर लो वो कम है, बिकॉज यहाँ पर आपको एक स्टेबल परफॉर्मेंस मिलती है इस लैपटॉप में। लाइक इसका बिल्ड काफी ज्यादा अच्छा आता है, एक हाथ से खुल जाता है ये लैपटॉप, वॉबलिंग आपको ना के बराबर देखने को मिलती है। लैपटॉप के अंदर आपको एक प्राइवेसी शटर कैमरा मिल जाता है ऊपर की तरफ, एंड जो कीबोर्ड है लैपटॉप का वो भी फुल साइज मिलता है व्हाइट बैकलाइट के साथ, पोर्ट्स वगैरह भी ऑलमोस्ट सारे मिल जाते हैं। बाकी आपको यहाँ पर 6 inches का सेम वही डिस्प्ले मिलता है, फुल HD आता है, IPS आता है, अराउंड 250 nits के आसपास ब्राइटनेस आ जाती है, एंड जो रिफ्रेश रेट है ना वो 120Hz की मिलती है। बाकी i5 11th generation 11300H चिपसेट मिलता है, 4 cores and 8 threads के साथ आता है, बट उसकी जो पावर है वो काफी अच्छी आ जाती है, लाइक मैक्स 4.4 GHz टर्बो तक जाता है। आपको 8GB ऑफ रैम मिल जाती है DDR4 3200 MHz वाली, जो कि अपग्रेडेबल है मैक्सिमम 16GB तक। बाकी स्टोरेज में 512GB की SSD मिल जाती है, NVIDIA का GTX 1650 ग्राफिक कार्ड मिलता है 4GB रैम वाला। बट यहाँ पर जो चीजें चेंज होती है ना वो है कूलिंग। ये जो लैपटॉप है इन कूलिंग सबसे बेस्ट निकल के आता है। लाइक देखो मैं ASUS TUF एंड IdeaPad Gaming 3 दोनों यूज कर रहा हूँ, बट जो ASUS वाला है ना उसके कंपेरिजन में Lenovo वाला ज्यादा बेटर कूलिंग प्रोवाइड करता है, लाइक उसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं जाता। बाकी यहाँ पर एक्स्ट्रा में आपको विंडोज 11 होम मिलती है विद लाइफ टाइम वैलिडिटी, जो सारे लैपटॉप के साथ मिलती है। इसके अलावा ऑफिस ट्रायल मिलता है 1 महीने का, एंड एक्सबॉक्स गेम पास मिल जाता है 3 month सब्सक्रिप्शन के साथ में। अभी Lenovo ये जो लैपटॉप है ना थोड़ा सा महंगा हो रखा है, लाइक लगभग 55,000 के आसपास इसका प्राइस देखने को मिलेगा आपको फिलहाल। लेकिन ट्रस्ट मी, इसका जो एक्चुअल प्राइस है ना वो 52,000 rupees के आसपास है। तो चाहे ऑनलाइन मार्केट की बात कर लो या ऑफलाइन, अगर आपको ये इस प्राइस में मिलता है देन डेफिनेटली यू कैन गो विद दिस वन। बाकी ओवरऑल मैं बात करूं पांचों में से कौन सा लैपटॉप आपको लेना है, तो देखो इन शॉर्ट जिसको ऐसे FPS के नशे एंड हवाबाजी चाहिए वो ASUS TUF Gaming F15 ले लो। जिसको एक्चुअली एक वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप परचेस करना है वो MSI का GF63 थिन ले सकते हैं, चाहे RTX 2050 ले लो अगर आपका बजट ज्यादा है, एंड अगर आपका बजट कम है 48,000 के अराउंड, देन आप MSI का GF63 ले सकते हो 1650 वाला। दोनों लैपटॉप डिट्टो सेम है, सिर्फ ग्राफिक कार्ड का फर्क है। और लास्टली आते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर, तो वो Lenovo का IdeaPad Gaming 3 लेना। बाकी आप एक्चुअल प्राइस जाके देख सकते हो Flipkart, Amazon, जहां भी सस्ता मिले वहां से ले लो। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आप लोगों से जल्दी ही किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में।